हेलो गाइस, वेलकम टू वर्सेटाइल लाइफ। और आज मैं लेके आई हूँ ग्लूटेन फ्री पिज़्ज़ा एंड वेट लॉस पिज़्ज़ा, जो कि बड़े और बच्चे सबको अच्छा लगने वाला है। इसके लिए हम लेंगे एक बॉल, बॉल में लेंगे 5 चम्मच ओट्स, 5 चम्मच अरहर की दाल, 5 चम्मच मसूर की दाल दोनों तरह की, और उड़द की दाल, मूंग की दाल और फ्लैक्स सीड। इनको हम अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद इसको हम 5 घंटे के लिए भिगो देंगे। 5 घंटे हमारी दाल भीग गई है और इसको हम अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे और एक जार में लेके उसमें हम जीरा, लहसुन की कुछ कलियाँ और पिंक सॉल्ट लेंगे। पिंक सॉल्ट जो हमारे वेट लॉस में बेनिफिट करेगा। ये हमारी दाल पिस गई और इसको हम एक बॉल में ले लेंगे। बॉल में लेने के बाद 1 पिंच बेकिंग सोडा लेंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको हम पहले ढक देंगे, जब तक हम हमारा एक कुक टॉप पे सॉस पैन लगाएंगे और थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे और इस पर हम हमारा बैटर को मोटी मोटी लेयर में फैला देंगे, ताकि ये हमारा पिज़्ज़ा की तरह बेस बन सके और ये बेस पिज़्ज़ा के बेस से भी टेस्टी होगा। जब ये ऊपर से थोड़ा सा सूख जाए इसका बेस, तो हम ऊपर से गार्लिक पाउडर डालेंगे। आप अपने पसंद का कुछ भी मसाला डाल सकते हैं, अगर ऑप्शन है नहीं भी डालना चाहो तो नहीं डालो। जब ये नीचे से सिक जाए तो हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद मैंने इस पर होममेड पिज़्ज़ा सॉस लगाई है। इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद मैंने इसमें मसाला गार्लिक बनाया था, जो उसको भी मैं लगा दूंगी, ताकि इसका टेस्ट और भी डबल हो सके, इसका टेस्ट मार्केट जैसा आएगा। फिर इस पे मैंने लगाए हैं अपनी पसंद की वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने लिए कैप्सिकम, टोमेटो। टोमेटो लगाने के बाद मैं अनियन ले लूँगी। अनियन को लगा लिया है, अनियन और फिर स्वीट कॉर्न। इन सबको आप सौते करके भी ले सकते हो, इस पे आप पनीर क्यूब्स भी लगा सकते हो, मैंने ऐसे ही लिया है। फिर इस पे मैंने चीज़ को अच्छे से लगा लिया है, जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है, और इसको फिर मैं ढक दिया है। ढकने के बाद चीज़ मेल्ट हो गया। चीज़ मेल्ट होने के बाद इस पे हम ऑरेगानो को स्प्रिंकल कर लेंगे और चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर लेंगे और इसको हम गरम गरम सर्व करेंगे। कितना हेल्दी और टेस्टी पिज़्ज़ा हमारा बन के रेडी है, जिसे बड़े बच्चे और सब इंजॉय करेंगे और इसको आप अपनी डाइट में हैप्पीली इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।